गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बताने वाले हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट का पाथ चेंज कर लेना विदाउट चेंज इन मीडियम, इस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या मतलब हुआ? लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी डायरेक्शन में चले जाएगी, लेकिन मीडियम चेंज नहीं होगा। ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन। तो इसे करके दिखाते हैं आपको। सपोज कीजिए हमारे पास एक लेजर बीम है, ये एक मिरर है। अगर इसमें हम रे ऑफ लाइट इस टाइप से डालते हैं, देखिए इसका पाथ चेंज हो गया। मैं लाइट को इस डायरेक्शन में भेज रहा हूं और हमें लाइट यहां पर देखें। अब देखें, मैंने लाइट को यहां पे भेजा है और लाइट ऑब्जर्व कहां हो रही है? हमारे इस वाले पॉइंट पे ऑब्जर्व हो रही है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ है। लाइट को इस डायरेक्शन में भेजा गया था, इस मिरर ने उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी डायरेक्शन में ही उसे भेज दिया। जरूरी नहीं है इस डायरेक्शन में, इस लाइट को यहाँ पे भी भेजा जा सकता है, अलग अलग पॉइंट पे भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रेड पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? ये है रिफ्लेक्शन की वजह से। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएंगे। पहला पॉइंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम दो टाइप से, दो लॉ हैं एक्चुअल में ये। पहला पॉइंट आता है इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या हो गया? प्लेन का मतलब हो गया ये मोबाइल, ये मिरर, ये लेजर, ये सारे एक ही सरफेस पे रखे हुए हैं, तो ये एक प्लेन माना जाएगा। तो ऐसे ही इंसिडेंट रे, नॉर्मल जहाँ पे ड्रा किया गया है वो पॉइंट, और रिफ्लेक्टेड है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसका मतलब है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये सारा हमने थ्योरी में पढ़ा था, अब उसे प्रैक्टिकली हम आपको प्रूव करके दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें किस किस सामान की रिक्वायरमेंट होगी? हमें लेजर की रिक्वायरमेंट होगी, एक मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें डी चाहिए। डी किस टाइप से? ये वाला डी। इस वाले डी से हम क्या मेजर कर पाएंगे? यहाँ पे एंगल बने हुए हैं, तो हम एंगल मेजर करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है या नहीं है। तो इसे शो करने के लिए अब देखिए, एक बाउल है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें हमें वाटर लेना है। तो देखिए, अब इस एक्टिविटी को किस टाइप से करना है वो अब आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें ये डी लेना है, इसके बाद हमें ऐसे ही एक सरफेस और बनाना है ताकि इसके ऊपर बाउल को रखा जा सके। इसमें थोड़ा सा वाटर डालना है हमें। अब देखिए, यहाँ पे हमें स्केल नजर आ रहा है। स्केल किस टाइप से नजर आ रहा है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमें एंगल नजर आ रहा है, ठीक है, डी की वजह से। अब देखिए, अब क्या क्या करना है वो देखिए।
इसके अंदर हमने ये मिरर रखा, मिरर को इस टाइप से रखना है, ठीक है, मिरर को इस टाइप से रख दिया हमने। अब इसमें हम लेजर पास करने वाले हैं, थोड़ा सा इसमें मिल्क डालना है ताकि इसका पाथ विजिबल हो जाए। टिंडल इफेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, हमें इसका पाथ विजिबल करना है। देखो, विजिबल करने के लिए हम इसमें कोलाइडियल सॉल्यूशन बना दिया है ताकि इसका पाथ अब विजिबल हो जाए। तो अब इसे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री पे डीके 90 डिग्री पर आ रही है, ये पहले वाले पॉइंट से आ रही है और पहले वाले से ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कैमरे को, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल को ऑब्जर्व कीजिए, अब देखिए जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहां पे देखिए जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। 90 की वाली लाइन है वो नॉर्मल का काम करेगी, नॉर्मल से देखिए जितना एंगल लेफ्ट में आ रहा है उतना ही राइट में आ रहे हैं। इस टाइप से हम इसे लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिखा सकते हैं। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक ही प्लेन में होने का मतलब मैंने आपको बताया था, रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं। थैंक यू।